स्थान जो ऐतिहासिक है, जहाँ ही माता मंजरी पैदा हुई थी, जो माता मंजरी लोरी की पत्नी थी और उनके जो पिता थे महरा, इन्हीं का ये बखरी है और इसी स्थान पर पैदा होकर के माँ दुर्गा की पूजा करती थी। और इन्होंने ही अपने शादी के पहले बताया था कि हमारा योग्य भर बलिया में है। इन लोगों ने बताया अपने नातेदारों को, तो लोग शादी करने के लिए बलिया गए और बलिया से भी लोरी आए, क्योंकि यहाँ राजा मुलाकात अगोरी किला के राजा थे और आता ताई थी जी। और यहाँ के माँ बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते थे और यहाँ का नियम था कि जो लड़कियाँ सयानी हो जाएंगी पहले वहाँ ही जाती थी। लेकिन माता मंजरी ने बताया कि हमारी जो शादी बलिया होने वाली है और लोरी का है, और लोरी ने वध किया, राजा के साथ लड़ाई किया और उनको वध करके फिर माता मंजरी के शादी करके भी ले गए। और इसलिए स्थान बहुत ही ऐतिहासिक है और ये सारे पाँचवा पूजा है। अब ये माता मंजरी धाम हो गई क्योंकि इसी स्थान में पैदा हुई थी और शक्ति के रूप में पैदा हुई थी, इसलिए शक्ति का ये रूप है। इसलिए जो गोवर्धन पूजा हो रहा है ये भी शक्ति का एक रूप है, जहाँ प्रकृति की पूजा होती है, पहाड़ और जो पर्यावरण से शुद्ध करने के लिए पूजा होता है। इसी ग्वाल बालक पर दूध और गाय के साथ आते हैं और इस पूजा शक्ति का पूजा होता है, जिसे बाबा खोलते हुए दूध में नहाते हैं और जलती हुई आग को अपने हाथ से और पैर उसे खड़ा हो जाते हैं तथा सर से भी चला देते हैं। ये शक्ति का पूजा है, जो भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को उठा करके भगवान इंद्र का घमंड तोड़ा था, इसलिए शक्ति का ये पूजा हो रहा है। और इस क्षेत्र में बहुत ही उत्साह हुआ है जब से पूजा का आयोजन हुआ है। और नाम राजेंद्र बाबा जी, ये बताइए आप खोलते दूध से नहाते हैं, क्या आपको जलन होता है? नहीं। तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, यह दूध जो है भगवान कृष्ण की कृपा से नहाने से कुछ नहीं होता है, और पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, उनकी कृपा है। भगवान विष्णु बार बार क्षीर सागर में ही रहते हैं, इसलिए जब भगवान कृष्ण की छत्र छाया होती है तो हम नहाते हैं, उनका निवास है, दूध है।